न्यूज़, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे, एनएस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। अमरावती, बारातियों से भरा वाहन पलटा, एक की मौत, 8 घायल। शादी की बारात लेकर जा रहा 407 वाहन अनियंत्रित होकर पलटने से वाहन में सवार एक की मौत हो गई, जबकि 8 अन्य घायल हो गए। घटना सोमवार 9 मई की रात घारनी थाना क्षेत्र के रानी गांव में रात 9:30 बजे के दौरान घटित हुई। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के चितलई ग्राम के किसी युवक का विवाह रानी गांव की युवती के साथ तय हुआ था। विवाह सोमवार 9 मई के रानी गांव में होने से दूल्हा की बारात रानी गांव आई थी। विवाह समारोह निपटने के बाद रात को बारात वापस लौट रही थी, तभी गांव से कुछ ही दूरी पर CG-15 SP-0116 के वाहन चालक का 407 से नियंत्रण छूट गया और गाड़ी पलट गई। शादी की बारात लेकर जा रहा 407 वाहन अनियंत्रित होकर पलटने से वाहन में सवार एक की मृत्यु हो गई, जबकि 8 अन्य घायल हो गए। घटना सोमवार 9 मई की रात घरणी थाना क्षेत्र के रानी गांव में रात 9:30 बजे के दौरान घटित हुई। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के चितलई ग्राम के किसी युवक का विवाह रानी गांव की युवती के साथ तय हुआ था। विवाह सोमवार 9 मई को रानी गांव में होने से दूल्हे की बारात रानी गांव आई थी। विवाह समारोह निपटने के बाद रात को बारात वापस लौट रही थी, तभी गांव से कुछ ही दूरी पर CG-15 SA-0116 वाहन चालक का 407% नियंत्रण छूट गया और गाड़ी पलट गई। वाहन में कुल 20 बाराती सवार थे, इनमें से दगडिया जाम सिंह भटनागर 55 वर्षीय की घटनास्थल पर ही गंभीर चोट आने से मृत्यु हो गई, जबकि 8 बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में अर्जुन बहादुर भटनागर 6 वर्षीय, मंजू सदिया उड़वे 13 वर्षीय, अनिल कालू बडोले 28 वर्षीय, मुकेश गणेश बडोले 30 वर्षीय, गणेश प्रताप निगम 16 वर्षीय, कलाबाई दगडिया बडोले 52 वर्षीय, संजय सुखलाल सोलंके 30 वर्षीय व एक अन्य है। घटना की जानकारी मिलते ही धारणी पुलिस का दल तत्काल घटनास्थल पर आ पहुंचा। सभी घायलों को धारणी के उपजिला अस्पताल पहुंचाया गया। भाग्यवश दूल्हा और दुल्हन दूसरे वाहन में सवार रहने से वह बच गए। इसके साथ खास खबरों को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार। ये है MNS News Network और आप देख रहे हैं MNS News।